दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। हरियाणा में बदमाश बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं। बीती रात बाइक सवार तीन बदमाशों ने जमुनानगर के सिडोरा में एक देसी शराब के ठेके में घुसकर एक कर्मचारी की आंखों में मिर्ची डालकर दूसरे कर्मचारी को गोली मारकर घायल कर दिया। बदमाश जाते समय ठेके में मौजूद हजारों रुपए की नकदी लूटकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन शुरुआती जाँच में आरोपियों का कुछ पता नहीं चल पाया। मामले पर थाना प्रभारी निर्मल सिंह ने दावा किया कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अंग्रेजी के ठेपे दो करिंदे दो लड़के काम करते थे, दो थे अंदर, तो उन पे एक मोटरसाइकिल पे सवार तीन लड़के वहाँ पर आए, तो उन्होंने ठेके से पेटी का मूल्य पूछा। उन्होंने बताया 2200 रुपये में देंगे, तो उन्होंने जो भी पैसे दे के पेटी देने की कोशिश करी ठेकेदार के लड़के ने, तो उन्होंने उसका दरवाजा जिस टाइम थोड़ा खुला तो धक्का मार का वो अंदर एंटर कर गए और उसके एक लड़के के उन्होंने आंखों में मिर्ची डाल दी, दूसरे को एक गोली मार दी, उसके पेट में गोली लगी। उससे ठेके से 10-12 हज़ार रुपये जो उनका कैश था वो ले गए। उसके एफ आई आर लॉन्च करके उनकी तलाश के लिए टीमें गठित कर दी हैं। 3-4 टीमें से भी आई हुई हैं और जल्द ही हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जमुनानगर से रण सिंह चौहान की रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी।